हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गांव के सुपरस्टार ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और हम नहा के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और सिस्टर भी नहा लिया है, भाई सब भी नहा लिया है। मम्मी अभी तक नानी घर से नहीं आई है और आज है भाई दूज। तो अभी मतलब आज बहन भाई का पूजा करेगी, तो अभी चलते हैं और अभी सिस्टर बुला रही है, चलते हैं पूजा के लिए। तो वहाँ पे आप लोग देखिए कि भाई दूज का पर्व कैसे होता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, मिलते हैं पूजा के टाइम में। तो बने रहिए और इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के लिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे इस चैनल को। तो फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग के साथ, मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा के लिए आ गई है, ये तैयार है बनाएंगे। और आगे का ब्लॉग अब कुणाल शूट करेगा, तो बने रहिए उसके ब्लॉग के साथ। ये लो, जींस की हटा आधा ब्लॉक के सीन। और कौन चीन इधर से बन रही, सामने से आएगा फोटो। इधर हट के उधर का फोटो बोला कुछ रे, तनु आज तनु आगे मर भाई ते तनु दो की तीन। हेलो तनु, हाले आ गए हमारे फोन। चलो बनना, बोलो। मैं तन्नू, मैं तन्नू हूँ। यहाँ भाई दूज का पूजा हो रहा है। गुलाब की बारिश हो रही है, गुलाब की बारिश हो रही है। इधर आके लो और जाएंगे। यार का अच्छा क्या है, घर का पास ही है। हाँ, वो वहाँ मंदिर सामने, बजरंगबली सामने। अब देखेंगे कल तब ये ना सब को है। अपन जितो के उधर बज्जो का, बज्जो के कगिलवा के इधर। हसा का पाल अरे बोले ना तो यहाँ एक यहाँ नेक दे रहे हैं। आप भाई को भी नेक देने का नियम है भाई दूज में। आशीर्वाद एक के दिन चाटा। अब हमको बहन को भी देने का नेक नियम है, तो हमको भी मिल गया। चलो ले, चलो चलो, एक का हो गया। पूरे देखिए पूरे पर देता है और की दे लगा हमरा फोन नहीं है। हैं तुमने तोरा नहीं पे जाओ ये। हां जी, मोर तो रोग सीधे 5000 हमरा रोग ये हमरा वाला पका नहीं। हेलो, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिस्टर पूजा कर रही है कुणाल का। मेरा ब्लॉग जब फोटो लेता है तो मेरा कोई फोटो लेता नहीं है, और अपना जब बारी आता है तो देखिए कैसे एकदम स्माइल कर 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 ले रहा है फोटो। देखिए आरती उतार रही है। तो आप लोग भी भाई दूज पर बनाइए बहन के साथ। ये देखिए नारियल, नारियल उसको पकड़ने में भारी लग रहा है, देख रहे हैं उसको, नारियल पकड़ने में उसको भारी लग रहा है। रुमाल दोनों उसका माथा भरे देखिए, रुमाल भूल गया था, ये रुमाल लगाया है। देखिए अब मौली धागा बांध रही है सिस्टर। मौली धागा बांधा जाता है भाई की लंबी उम्र के लिए। इसीलिए आज भाई दूज मना रहे हैं, आप लोग भी मना रहे होंगे। कमेंट करके बताइए आप लोग भी। तो आप लोग फ्रेंड्स सब अपनी अपने भाई की लंबी उम्र के लिए। देखिए ये अभी बैठा हुआ है नंबर पे, अभी इसका भी नंबर आएगा अभी। तो देखिए देखिए मिठाई खा रहा है, देखिए भुक्खड़ को कैसे खा लिया सब, थोड़ा सा रहने दिया है। देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद से मुंह में निकलेगा क्या? मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है इसका, मुंह में तो लड्डू फंसा हुआ है इसका।
खुश रहो कहने में भी इसको मुंह से ओम ओम करके बोलना पड़ रहा है इसको। देखिए इसको भी मिल रहा है 500 का नोट। और गिफ्ट लाएंगे शाम में, अभी मार्केट गए नहीं है, मार्केट अभी जाऊंगी तो फिर और गिफ्ट लेके आऊंगी। देखिए ये भी रिटर्निंग गिफ्ट दे रहा है, इनको भी रिटर्निंग गिफ्ट मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स अब सनी आ गया है, अब इसका ही पूजा होगा। और देखिए ये सिस्टर पूजा कर रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे इस यूट्यूब चैनल को, गांव के सुपरस्टार ब्लॉग को, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और देखिए चंदन का टीका लगा रही है सिस्टर, देखिए चावल भी लगाई, देखिए आरती उतार रही है, और देखिए वो फोटो भी खिंचवा रहा है, यहाँ वीडियो भी बना रहे हैं हम। देखिए इधर बैठ के इधर देखिए फोटो कर रही है शूट। देखिए अब मौली धागा बांध रही है हाथ में रक्षा कवच। तो आप सभी फैमिली यूट्यूब फैमिली को हैप्पी भाई दूज, आप लोग भी अपने बहन के साथ भाई दूज पर्व मनाएं और लंबी उम्र की आशीर्वाद लें सिस्टर से। और आप भी सिस्टर से वादा करें कि चाहे कितना भी कठिन स्थिति हो वो आप हमेशा उसका साथ देंगे, हम तो कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इधर आरती का थाल लगा हुआ है, उधर से देखिए अभी मौली धागा बांध रही है। देखिए हाथ में नारियल और मुस्कुराहट देखिए कैसे एकदम, जैसे लगता है इसी को मिला है खाने के लिए। देखिए देखिए लड्डू ये कितना खाता है ये देखते हैं, वो तो खा लिया था, अब देखिए ये हाँ देखिए ये इसको आइडिया है खाने का, देखिए ये खाई खिलाई। और ये देखिए भुखड़ है, आधा लड्डू से पूरा खा के बैठ गया ये लड्डू। देखिए ये भी पैकेट में हाथ डाला हुआ, ये भी लगता है पैसा निकाल रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये भी पैसा निकाला और ये देखिए पैसा लिया, देखिए पैसा थामा हुआ कैसे हाथ में। अरे फोटो देखिए आशीर्वाद ले रही है, इसके मुंह से भी कुछ नहीं निकल रहा है। हाँ देखिए ये आशीर्वाद निकला इससे। और ये देखिए ये मुंह में लड्डू फंसाया हुआ था, इसे हू करके बोल रहा था ये। देखिए ये रिटर्निंग गिफ्ट। तो देखिए फ्रेंड्स पूजा हो गया खत्म, और देखिए फ्रेंड्स भाई दूज का जो पूजा था वो हो गया समाप्त। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपने बहन के साथ भाई दूज मनाएं और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोग का सब्सक्राइब बहुत जरूरी है हमें इस चैनल के लिए, क्योंकि हमारे चैनल को आज एक महीना पूरे हो गए हैं और अब तक हमें 50 सब्सक्राइबर सही से पूरा नहीं मिल पाया है। तो फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है हमें, सपोर्ट कीजिए क्योंकि सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप लोग को ये चैनल लाइक अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए फिर मेरे ब्लॉग के साथ, मिलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब देखिए मम्मी भाई दूज का पर्व मना रही है, बड़े वाले मामा बैठे हुए हैं और मम्मी आरती कर रही है बड़े वाले मामा का। और देखिए मामा जी पैकेट से पैसे निकाल रहे हैं, गिन रहे हैं कितने पैसे हैं पैकेट में। देखिए मामा जी अब पैसे निकाल के हाथ में रखे हुए हैं। देखिए मम्मी अब मौली धागा मामा जी को बांधेगी, ये देखिए देखिए मम्मी मामा जी को मौली धागा बांध रही है। और देखिए इधर साइड में सब सिस्टर लोग भी पिक्चर क्लिक कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भाई दूज का पर्व भाई बहन के लिए ही है। और देखिए तीन मामा एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब ये बचपन की याद आ गई है यहाँ पे मम्मी को कि तीनों भाई एक साथ बैठे हैं, बिल्कुल एक साथ एक जगह। और देखिए ये नानी भी बैठी है साथ में, देखिए आपस में सभी डिस्कस कर रही हैं। और मम्मी अभी मामा जी को मौली धागा बांध रही हैं, रक्षा सूत्र रही हैं देखिए। और मामा जी यहाँ पर सभी खुश हैं, बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है कि भाई दूज पे तीनों मामा एक साथ और मम्मी मेरी अवेलेबल है यहाँ पे भाई दूज पर्व मनाने के लिए।
मौसी तो चली गई है, वो अपने घर नागपुर चली गई है, तो मौसी तो अवेलेबल है नहीं। तो मम्मी यहाँ पे तीनों भाई के साथ मतलब भाई दूज का पर्व मना रही है। हमें पता है मौसी अगर ये ब्लॉग देखेंगी तो उनको बहुत मिसिंग मिस फील होगा कि काश मैं भी यहाँ पे रहती तो भाई दूज का पर्व मना लेती भाई के साथ, क्योंकि तीनों भाई एक साथ अवेलेबल होते नहीं है जल्दी। तो ऐसा मौका मिला कि नाना जी का वो जो था श्राद्ध उसमें सभी आए थे तो हो गया। देखिए मम्मी आशीर्वाद दे रही है और मामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और मामा जी के स्माइल थोड़ा सा खुला है अब देखिए आशीर्वाद के टाइम में। मम्मी देखिए आशीर्वाद ले रही हैं और मामा जी देखिए अब गिफ्ट निकाल के दे रहे हैं मामा जी। तो देखिए अभी गिफ्ट थोड़ा साइड में रखा हुआ है और अब मंझले वाले मामा का मतलब कि मम्मी आरती करेंगी। देखिए पहले जो मौली धागा बंधा हुआ तो वो काट रही हैं मम्मी और उसके बाद देखिए अब मामा जी देखिए पर्स निकाल के फिर वापस रख लिए हैं। तो देखिए अब मम्मी मंझले वाले मामा का वो आरती मतलब करेंगी। देखिए बड़े वाले मामा कुछ कह रहे हैं। तो देखिए मम्मी अब मंझले वाले मामा का आरती कर रही हैं और भाई दूज सेलिब्रेट कर रही हैं मम्मी मंझले वाले मामा के साथ। देखिए मामा जी के सर पर टोपी रख रही हैं, सॉरी रुमाल रख रही हैं। तो देखिए मम्मी आरती का थाल सजाए हुए, तीनों भाई का आरती बिल्कुल एकदम देखिए ऐसे कर रहे जैसे बचपन का याद आ गया हो मम्मी को। देखिए बहुत मतलब ये मेमोरेबल सीन हो गया है कि ऐसे ऐसा सीन बहुत कम ही मिलता है मम्मी को मतलब बनाने के लिए। तो देखिए आज तीनों भाई अवेलेबल और देखिए मम्मी मामा जी के माथा पे तिलक कर रही हैं, टीका लगा रही हैं और साथ में देखिए चंदन के साथ तिलक लगा रही हैं। और देखिए बड़े वाले मामा बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ है उनको। तो देखिए मम्मी अब आरती का थाल रख के अब मम्मी भी मौली धागा बांधेगी। देखिए मम्मी मौली धागा मामा जी को बांध रही हैं। देखिए मामा जी हाथ आगे किए हुए हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है तीनों भाई का कि भाई दूज पर्व हमें लगता है पहली बार मम्मी मना रही हैं। तो मम्मी से पूछेंगे अभी आगे ब्लॉग में कि वो देखिए नानी मामा जी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, छोटे वाले मामा कुछ बोल रहे हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा, तो मम्मी बोल रही है आएगा नंबर तुम्हारा अभी, रुक जाओ। तो देखिए फ्रेंड्स मम्मी कुछ बता रही हैं मतलब ये जो भाया दूज पर्व होता है ये किस किस के याद में मनाया जाता है, ये यम और ऐसे कुछ कहानी में बना हुआ है, यमुना और यम के कहानी में वो भाई बहन जब गई थी तो उस वैसा कुछ वर मांगा गया था, वही मम्मी कहानी बता रही है मामा जी को। तो देखिए मंझले वाले मामा का भी अब रक्षा सूत्र बंधा गया है हाथ में। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज देखिए उधर सभी पन्नी रखे हुए हैं आगे में, मतलब कुछ तो गिफ्ट सरप्राइज है रखा हुआ। तो आइए देखते हैं आगे चल के भी पता चल जाएगा कि क्या है गिफ्ट में। तो देखिए बने रहिए, देखिए उधर बड़े वाले मामा भी सामने पन्नी रखे हुए हैं, इतना देखिए मंझले वाले मामा भी रखे हुए हैं और इधर देखिए छोटे वाले मामा का भी नंबर अब आएगा। तो देखिए अब मंझले वाले मामा का हो गया है, मतलब थोड़ा फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टर लोग, भाई लोग फोटो शूट कर रहे हैं। तो मम्मी इधर उधर नज़र कर रही हैं बार बार। तो बने रहिए फ्रेंड्स ब्लॉग के साथ और आप लोग ये जो सेलिब्रेट देख रहे हैं मेरी मम्मी का जो भाई दूज कर रही हैं, आप लोग इसके लिए कम से कम लाइक कीजिए। देखिए मम्मी फूलों से बिल्कुल चावल वोल दे रहे हैं मामा जी के सर पे, मतलब ये रस्म है, आशीर्वाद दे रही हैं। बड़े वाले मामा तो मम्मी से बड़ी थी तो मम्मी आशीर्वाद ले ली और ये दोनों मामा मम्मी से छोटी हैं, छोटे हैं मामा जी, इसलिए देखिए अब देखिए मामा जी दक्षिणा मतलब वो दे रहे हैं उपहार। देखिए मम्मी भी वापस रिटर्निंग गिफ्ट दे रही हैं और देखिए उधर सिमरन बैठी हुई हैं फोटो शूट कर रही हैं। देखिए फ्रेंड्स व्हाट ए मोमेंट, क्या सीन है यहाँ पे भाई बहन का प्यार। और देखिए अभी कुछ देर में अभी ये हाथ देखिए ये मामा जी भी रिटर्निंग गिफ्ट दिए हैं मम्मी को और देखिए साथ में वाओ ये देखिए पन्नी से भरा थैला, देखिए इसके अंदर श्योर है कि साड़ी तो है इसके अंदर। तो देखिए मामा जी भी खुश हैं और मम्मी भी खुश हैं और छोटे वाले मामा का अब नंबर आ रहा है। देखिए मामा जी अब सोच रहे हैं कि अब नंबर आ जाए मेरा, शायद लगता है इनको भूख लग गया है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स उधर देखिए नयन खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा है। देखिए मामा जी जो बड़े वाले मामा जो गिफ्ट नहीं दे पाए थे उनको देखिए फिर से मामा मम्मी मतलब चावल वावल देखे, देखिए मामा जी गिफ्ट दिए, ये भी देखिए साड़ी है इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ छोटे वाले मामा का नंबर आ गया है। तो देखिए मम्मी अब सर पे रुमाल रख रही हैं और इसके बाद देखिए क्या सीन होगा। देखिए मम्मी आरती का थाल उठा के छोटे वाले मामा को आरती कर रही हैं और छोटे वाले मामा बिल्कुल खुश, भला क्यों ना हो, तीनों भाई एक साथ और बहन भी यहाँ भाई दूज का पर्व सेलिब्रेट मनाने आई हैं और पहली बार वो भी
40 साल तो लगभग उम्र हो गया लगभग सभी का, 40, 45, 50। तो पहली बार ऐसा सेलिब्रेट हो रहा है तो खुशी का तो माहौल होगा ही। तो देखिए मम्मी आरती का थाल लगा रही है मामा जी को, और कुछ देर में मौली धागा बांधेगी। तो आप लोग लाइक करें और कमेंट जरूर करें। देखिए मामा जी को तिलक लगा रही हैं मम्मी, चावल का भी वो तिलक लगाई हैं। देखिए मामा जी कुछ बोल रहे हैं। तो देखिए नानी भी बगल में बैठी हैं और मामा जी गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय बोल रहे हैं। देखिए मम्मी मौली धागा बांध रही है मामा जी को, रक्षा सूत्र है ये। देखिए मामा जी बोल रहे हैं ये रक्षा सूत्र है नानी को। तो देखिए कितना ये पल अच्छा पल है, तीनों मामा अवेलेबल हैं और मम्मी गई तो थी, मतलब वो मंझले वाले नाना का पोता पोती का तो वो मुंडा थे, लेकिन आज ऐसा दिन में मिल गया भाई दूज, तो मम्मी सोची चलो सेलिब्रेट कर ही लेते हैं, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं। भाई सब सभी अवेलेबल हैं, देखिए इधर सभी मामी लोग भी खड़ी हैं साइड में, और यहाँ पे भाई दूज सेलिब्रेट हो रहा है। मामा जी कुछ बोल रहे हैं नानी को, सभी भाई एकदम बिल्कुल खुश हैं। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए अब तीनों मामा का रक्षा सूत्र बंधा गया है, तो अब यहाँ पे भाई दूज का ये जो फंक्शन था अब ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट जरूर करें। देखिए मेरी मम्मी कितना मतलब कितने प्यार से तीनों मामा को बक्सा सूत्र बांधी है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मम्मी आ गई है नानी के घर से और साथ में मम्मी को मिला है बहुत सारा गिफ्ट, क्योंकि आज भाई दूज था। तो मम्मी गई थी मुंडन में, लेकिन वहाँ पे तीनों मामा अवेलेबल थे, बड़े वाले, मंझले वाले, छोटे वाले। तो मम्मी ने भाई दूज पर मनाया और मम्मी को बहुत सारा गिफ्ट मिला है। तो मम्मी से भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अभी एक और सदस्य आपको मिलवाते हैं, जो नए सदस्य हैं हमारे आशीष भाई, जो पुणे में रहते हैं, मतलब मेरे मंझले मामा के बेटे जो रेलवे ड्राइवर हैं पुणे में, उनके बेटे आज हमारे यहाँ घूमने आए हैं। आशीष आइए आपको मिलवाते हैं, उनसे थोड़ा इंटरव्यू करवाते हैं, मतलब इंट्रो करवाते हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स ब्लॉग के साथ, आइए आपको मिलवाते हैं। अब देखिए ये है आशीष, ये देखिए। हेलो गाइस, देखिए ये है आशीष, ये पुणे में रहता है और अभी जो ये दादाजी का इनका जो डेथ हुआ था उनमें आया हुआ था वो। तो आज ये अपने बुआ के यहाँ घूमने आए हो ना? हाँ। देखो बुआ के साथ आए हो ना घूमने? हाँ, हम सब वहाँ पे दादा की डेथ की वजह से हम सब बहुत वहाँ पे मायूस हो गए थे, इसलिए बोरिंग फील कर रहा था ना, बोरिंग फील कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम सब बुआ के यहाँ था एंजॉयमेंट के लिए आया हूँ मैं इधर। देखिये फ्रेंड्स यही आशीष है जो कि थोड़ा नटखट भी है, और इसका स्माइल देखिए कितना प्यारा है, देखिए। और देखिए कुछ खा रहा है, ये क्या खा रहा है दिखा जरा, खिलौना। देखिए ये खिलौना है जो दिवाली में हम लोग खाते हैं। तो यहाँ आने के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत मुझे खुशी हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। देखिए अच्छा फील हो रहा है, हमें सब बहुत मायूस था, सब परिवार में सब लोग बहुत मायूस थे। अच्छा इधर देख के बोलो ना, इधर देख के बोलो। तो और पुणे का क्या, पुणे में जो रहते हो तो वहाँ का कुछ बताओ, कैसा है वहाँ का माहौल? वहाँ का माहौल बहुत ठीक ठाक है और अच्छा है, वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब आसपास में पड़ोसी है, एक साथ खाते हैं। वाह वाह क्या बात है, पहाड़ भी लेते हैं हम सब कभी कभी। अच्छा पढ़ाई पढ़ाई करते हो तुम ना? अच्छा एक दूसरे के घर पे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे एंजॉयमेंट अभी करना है, अभी तो छठ आ रहा है तो यहाँ तो एंजॉयमेंट अभी सारे फैमिली आ जाएंगे। हाँ सब फैमिली एक साथ, चलो और मजा आता है। देखिए फ्रेंड्स इसने बताया कि सभी फैमिली आएंगे, क्योंकि छठ होता है, मतलब मेरे यहाँ ही होता है। नानी जी पहले छठ करती थी, तो नानी तो अब थोड़ी एज उनका हो गया, तो पिछले 2 साल से अभी मम्मी ही करती है उनका छठ। तो अभी सारे फैमिली आएंगे, मामा मामी लोग आएंगे, तो आप लोग को उनसे ही मिलवाएंगे। तो उनके लिए अभी दो दिन वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। ये आशीष था जो मामा मेरे रेलवे ड्राइवर हैं पुणे में, उनके हैं बड़े बेटे हैं ये शायद, हाँ बेटे हैं मतलब बड़े हैं, लेकिन इससे एक बड़ी बहन है, और ये आशीष है तो ये छोटा है उससे बहन से, तो उससे भी आपको मिलवाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आशीष से मिलके, आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइएगा। और आइए चलते हैं मम्मी के पास थोड़ा, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मम्मी से मिलते हैं। शायद थोड़ा मम्मी क्या बोलते हैं उसको, परेशान हो गई है, तो थोड़ा देर ज्यादा देर बात पे थोड़ा सा बात करेंगे। तो बने रहिए फ्रेंड्स ब्लॉग के साथ, मिलते हैं मम्मी से, उसके बाद फिर ब्लॉग को खत्म करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मम्मी आई है शाम को 6 बजे नानी घर से, और ये देखिए मम्मी यहाँ पे, देखिए बिल्कुल मतलब ठंड का मौसम आते देखिए बिल्कुल थोड़ा ये हो गई है। देखिए मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे आगे मम्मी, और मम्मी को तो जम के मतलब कि आज गिफ्ट मिला है भाई दूज में, बहुत मम्मी को है।
मिला है, चार साड़ी मिला है। देखिए चार साड़ी मिला है मम्मी को, भाई दिया है, एक चाचा का लड़का का था, उनके यहाँ जिनके यहाँ मुंडन में गई थी मम्मी, उनको उनका भी मिला हुआ है। चार साड़ी है। देखिए फ्रेंड्स, चार साड़ी मम्मी को मिल गया है आज गिफ्ट के रूप में। एक तो वो बताया था ना मुंडन जो था, वो मंझले वाले नाना का बेटा का बेटा के बेटा का था, मतलब उनके पोता का था, तो उनमें भी एक साड़ी मिला है। और भाई दूज का तीन मामा ने एक एक साड़ी, मतलब तीन साड़ी गिफ्ट किए हैं। और शायद मम्मी को देखिए ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि शाम में आई है। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल मम्मी मायूस हो गए क्योंकि सारे फैमिली के साथ मम्मी थी, तो अभी देखिए बिल्कुल एलोन फील कर रही है। भाई लोग को मिस करे क्योंकि आज छोटे वाले मामा भी चले गए होंगे, उनका उनको भी कल जाना है अपने ड्यूटी पे, और बाकी रह गए मंझले मामा, वो भी शायद कल चले जाएंगे। तो उसके बाद बड़े वाले मामा है, तब देखिए सभी फैमिली से मिलने के बाद मम्मी बिल्कुल मायूस हो गई है आने के बाद। तो सही बात है फ्रेंड्स, फैमिली के बीच रहने के बाद तो थोड़ा मन लगता है, लेकिन देखिए मम्मी को बचपन याद आ गया है। देखिए भाई के साथ थे तो बचपन याद आ गया। देखिए बहुत दिनों बाद मम्मी भाई दूज मनाई, मतलब आपको लगता है बहुत सालों बाद पहली बार मनाई है, इसीलिए मम्मी बहुत मिस कर रही है सभी को। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग एक और सदस्य मिलवाते हैं। और ये देखिए हमारी भाभी जी हैं, बगल वाली भाभी हैं, मतलब है तो सुपर डुपर, लेकिन आइए आप मिलवाते हैं। ये देखिए, ये है भाभी, देखिए इनको भी ठंडा लग रहा है बहुत। देखिए इनको बिल्कुल एकदम ठंडा लग रहा है, देखिए इनको बिल्कुल साल ओल्ड ही है। समोसा बहुत नंबर वन बनाती है, खिलाती है बहुत। अगर आप लोग को समोसा खाना है तो आप लोग ऑर्डर हमें कीजिए, हम इनको ऑर्डर करेंगे तो आप लोग के पास समोसा पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचाइएगा ना समोसा। देखिए बिल्कुल सलवार ये कहते हैं नई दुल्हन के तरह, नाना नानी बन गई है, फिर भी देखिए सलवार ये नई दुल्हन, देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मिल लिए दो दो सदस्य, एक बगल वाली भाभी थी वो भी। और तो फ्रेंड्स आप लोग अब ये बताइए, देखिए हेलो गाइस, मेरी तरफ से हैप्पी भैया दूज। देखिए ये भी अब बोल रहा है हैप्पी भैया दूज, अभी शर्मा रहा था ऐसे लड़की की तरह, देखिए अब कैसे बिल्कुल खुल गया है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो अब ब्लॉग को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉग ज्यादा लंबा होने के बाद थोड़ा एडिट वेडिट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, और हम रात को एडिट करते हैं तो हम कब सो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता, और सुबह के 4-5 बजे हमारा नींद टूटता है तो हम अपलोड कर पाते हैं। तो आप लोग को हम वीडियो बिल्कुल 7 बजे टाइम पे एकदम बिल्कुल पहुंचा देते हैं, कोशिश रहता है कि पहुंच ही जाए, बट ऐसा कोई कंडीशन होता है जिसे नहीं पहुंच पाता है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भाई दूज और नए सदस्य आशीष से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा और आप लोग के सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे आ सकता है। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ, आप लोग को ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।